आज वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। जब मनपसंद इंसान के साथ बंदा दिन गुजारे ना तो दिन गुजारने का पता नहीं चलता। अच्छा, वैसे बातें घुमाना तो कोई तुमसे सीख है। अब ऐसे ही खड़े होके बातें करते रहोगे या अंदर आके कॉफ़ी भी पियोगे? नहीं, अंदर नहीं आऊँगा मैं। अंदर मैं एक ही दफ़ा आऊँगा, वो भी बारात लेके। वाह, बड़े बड़े ख्वाब है जनाब के। हाँ तो अच्छी बात है, ख्वाब देखने चाहिए। और मैंने भी अगर ये ख्वाब पूरा ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी अमार नहीं। अच्छा, तो ये तुम्हारी जिद है और मैं बेवकूफ़ ये समझ रही हूँ कि ये तुम्हारी मोहब्बत है। मोहब्बत जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो उसको ज़िद कहते हैं। और ज़िद करना कोई बुरी बात नहीं है, बस तय ये करना है कि ज़िद नेक काम के लिए की जा रही है या गलत। अच्छा अच्छा, ठीक है मिस्टर फिलोसोफर, मैं समझ गई हूँ तुम्हारी बात। चलो जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है, पहुँच के मैसेज करना मुझे। क्या मतलब, तुम मुझे कॉल नहीं करोगी जैसे मैंने तुम्हें कॉल की थी? अच्छा, अब मैं तुम्हारी तरह रोमांटिक थोड़ी हूँ, मुझे रोमांटिक होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। अच्छा ठीक है, फिर वैसे ही कॉल कर लो मुझे। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं घर जा रहा हूँ ना, तो रात काफ़ी हो गई है, हालात भी सही नहीं है। वैसे बहुत चलाक हो तुम, अपनी बातें मनवाना तुम्हें खूब आता है। कॉल कर रही, उठा लो। ओके। अच्छा, आप गाड़ी में जाके बैठो, इसे पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हो? कौन सा परफ्यूम लगाया था आज? पता नहीं, सुबह सुबह जो हाथ में आ जाता है मैं लगा लेती हूँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता परफ्यूम्स के नाम पढ़ने के। हेलो अम्मा, क्या हुआ है, चुप क्यों हो गए? वो फरहान की कॉल आ रही थी। तो उठा लो ना। नहीं, कोई ज़रूरी बात नहीं करनी होगी उस टाइम, मुझे पता है ऐसे फजूल में टाइम वेस्ट करना होगा उस टाइम। इट्स ओके। क्या पता कोई इम्पोर्टेंट काम हो, वरना तुम्हें इस वक्त को क्यों तंग कर रहा होता। चलो तुम अभी उससे बात कर लो, मैं जब तक नमाज की तैयारी कर लेती हूँ। अच्छा, नमाज पढ़नी तुमने? मैं तो सोच रहा था कि थोड़ी देर और बात कर लेते हैं। वैसे भी फरहान ने कौन से काम की बात करनी है मुझसे? अम्मा एक बात बताओ, तुम सारा दिन बातें कर कर के थकते नहीं हो? तुम्हारा दिल नहीं भरता है क्या? नहीं, और भरेगा बेटे। चलो तुम नमाज पढ़ लो और मेरे लिए दुआ जरूर करना, ठीक है? वैसे तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारे लिए क्या दुआ करूँ? कि मुझे फातिमा का साथ नसीब हो इस जहाँ में भी और उस जहाँ में भी। आमीन। अब मैं नमाज पढ़ लूँ? अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जानवी अंकल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। वालेकुम अस्सलाम, तुम सुनाओ, एकदम अचानक ही ऑफिस से निकल गई। दरअसल मुझे बेटा तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। जी जी अंकल, आज मेरे दोस्त का निकाह था तो आज मुझे जल्दी जाना पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन अब ज़रा अपनी शादी और निकाह पर भी ध्यान दे दो। जो आपका हुक्म अंकल जी। बस बेटा फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, नेकी के काम में देरी क्या है। जी अंकल, जैसे आपको ठीक लगे। बेटा मैंने क्या कहा ना, मैं तो वही जो तुमने ख्वाहिश की थी उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। तुम्हारी ये ख्वाहिश थी ना कि बहुत सादगी से चंद एक लोगों की मौजूदगी में रुखसती होनी चाहिए, यानी शादी, तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं। हम बड़ी सादगी से निकाह कर देते हैं और जो करीबी रिश्तेदार हैं सिर्फ उनको बुला लेते हैं। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं बेटा? अंकल मैं तो चाह रही थी कि हम इतना कोई बड़ा गेट टुगेदर कुछ ना करें, बल्कि उसके बजाय हम वो खाना गरीबों को खिला दें। बेटा मुझे तुम्हारी सोच सुनकर बहुत खुशी हुई, होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन बेटा कुछ मजबूरियां भी होती हैं, अब शहर में कई लोग जानने वाले हैं, ना सिर्फ मेरे बल्कि फैंग के भी। अगर उनको ना बुलाया या ना इनवाइट किया तो बेटा उनकी दिलाजारी हो सकती है, ये भी तो सोचो ना। अंकल उनको इवेंचुअली पता चल जाएगा, तो उसकी टेंशन आप ना लें। बस मेरी रिक्वेस्ट है ये कि हम जितना सादगी से ये फंक्शन और ये सारा एहतमाम कर सकते हैं तो कर ले प्लीज़। ठीक है मेरे बच्चा, मैं मार और तुम्हारी आंटी से डिस्कस करूँ, देन आई विल गेट बैक टू यू बेटा, डोंट वरी। ओके अंकल, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरा बच्चा। हाँ भाई बोल, कैसे कर लिए तूने
इस गरीब को याद। अच्छा यार सब्र कर, मैं आ रहा हूँ, बस 10 मिनट वेट कर ले। थोड़ा मसरूफ हो गया तुम्हें। नताशा, मैंने तुम्हें बता रहा था कि मिसेस शमीम ने इवन जो मेरे लिए कपड़े सेलेक्ट किए हैं वो इतने खूबसूरत और क्लासी हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। देखा, ये फ़र्क होता है एक सखी और दरिया दिल में और कंजूस बहल में। सीमी ने जब कभी कपड़े दिए, सेल से उठाए हुए बच्चे खुचे कपड़े दिए, चाहे तुझे या मुझे। अम्मी आप क्यों उनके बारे में बार बार बात करती हैं, मैं सबको भूल जाना चाहती हूँ। यू कीप ब्रिंगिंग इट अप, आपको मसला क्या है? हाँ सही कह रही हो तुम, उनका सोच के हम अपना मूड क्यों ख़राब करें। मैं तो कहती हूँ शादी पे भी मिस कराते हैं उन, बस तस्वीरें दिखा देंगे या वीडियो दिखा देंगे शादी, बस। सुनो तो, मिसेस शमीम ने तुम्हारी शादी के लिए शहर के सबसे बड़े सैलून में ब्राइडल मेकअप के सिग्नेचर मेकअप सेलेक्ट किया है। ओह माय गॉड, तो मैं क्या करूं? यार साइमा आंटी तो ऐसी थी, लेकिन नताशा इस तरह की हरकत करेगी मुझे यकीन नहीं आ रहा। इतना बड़ा झूठ, फ्रॉड कैसे कर सकती नताशा ऐसे? लेकिन शायद ये सब कुछ नताशा के खून में ही है। उसके बाप ने भी तो धोखा दिया था मेरे डैड को। डैड के लाख एहसानात के बावजूद भी डैड की कमर में छुरा पोंपा था उन लोगों ने। तय मार शदुख इस बात का नहीं कि उसने तुम तक पहुंचने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मुझे दुख इस बात का कि मुझे छोड़ के जिस लड़के के लिए उसने हाँ की है, सिर्फ एक खास बात है उसमें, वो ये कि वो अमीर है। आज अगर मैं अमीर होता ना तो वो कभी मुझे छोड़ के ना जाती। फरहान गलती तो 100% नताशा की है, तेरी कोई गलती नहीं है। मार मुझे अब बस अमीर होना है यार। तू सही कहता था कि पैसा ना बिजनेस में, मुझे बहुत अमीर होना है और इस सब के लिए मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत है। फरहान फिलहाल तो तू परेशान ना हो, अपने आप को रिलैक्स कर। ये बात इतनी छोटी नहीं है कि आराम से भूल सके इंसान। मैं सोचता हूँ इस बारे में। ये तो तुमने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। जज़ाक अल्लाह। लेकिन ये है कि मैं कुछ दिनों से कुछ बातों में उलझी हुई हूँ। कैसी उलझन? पता नहीं कि मैं जो करने जा रही हूँ वो सही है या गलत। किन बातों में उलझी हुई हो, बताओ तो सही। बातें तो बहुत हैं, लेकिन एक बात का जवाब पहले दे मुझे। हाँ पूछो, जो पूछना है। उस्मान साहब, मैं अम्मार को आजमाना चाहती हूँ। मैं ये आजमाना चाहती हूँ कि क्या असल में वो मुझसे मोहब्बत करता है या सिर्फ अपनी मोहब्बत के दावे करता है। इसलिए मैंने उसे कहा है कि मैं बहुत सादगी से निकाह करना चाहती हूँ, लेकिन आई नो कि जहांगीर अंकल कभी भी इस बात को एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि अम्मार उनका इकलौता बेटा है और वो धूमधाम से शादी करना चाहते हैं उनकी। तो क्या मैं ऐसा करके किसी का दिल तो नहीं दुखा रही हूँ, किसी की दिल आजारी तो नहीं होगी? वैसे तुम लड़कियों का भी कोई हाल नहीं, आखिर दम तक मोहब्बत का सबूत चाहिए होता। एनीवे, जोक्स अपार्ट, मेरा मशवरा तुम्हें यह है कि अगर तुम्हारे किसी अमल से किसी की दिल आजारी नहीं हो रही तब तो ठीक है, लेकिन अगर बात सीरियस हो रही हो तो वहीं बात को ख़त्म कर देना। बिल्कुल ठीक कहा है उस्मान साहब आपने, मेरा यही है शुरू से कि मुझे फजूल खर्ची नहीं पसंद है। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह को भी तो पसंद नहीं है। और फिर अक्सर इन धूमधाम की शादियों में दिखावा ही होता है जिससे गरीब महरूमी फील करता है इस दौलत की रेल पेल को देखकर। लेकिन इन चंद चीज़ों की वजह से ऐसे होने वाले नेक अमल को तर्क भी नहीं करना चाहिए। मेरी मानो अगर वो तुम्हारी बात मान जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मानते हैं तो
अल्लाह तो तुम्हारी नीयत जानता है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अच्छी नीयत से जो काम भी करोगे अल्लाह उसमें खुद ही बरकत डाल देगा। जी सुमायरा, इतनी बुरी कॉफी बनाती हो तुम। अब यकीनन तुम्हें फातिमा के हाथ की कॉफी चाहिए होगी, है ना? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई कोई नहीं है, लेकिन अगर रोज रोज फातिमा के हाथ की कॉफी पीनी है ना, तो उससे शादी कर लो। हाँ तो करवा देना आप लोग शादी मेरी। मॉम डैड क्यों नहीं करवा रहे शादी? उम्र गुजरी जा रही है मेरी, छोटी जिंदगी होती है, शादी करवा दे मेरी। I can't believe ये वही अमार है। ये वही अमार है ना जो शादी से भागता था। तो मेरी लाइफ में फातिमा नहीं थी ना। मैं आप लोगों से कोई बात करना चाहता हूँ। दरअसल आप लोगों की राय लेना चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की फातिमा को कन्विंस करने की, लेकिन वो नहीं मानी। एक्चुअली वो राजी नहीं हुई। हाँ, वो बात तो उसने हम सबके सामने कही थी ना, ये बात तो मैं भी जानता हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर वो ऐसे कह रही है तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। हमें लोग करते ही हैं सादगी से निकाह। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम छुप के इस घर में दुल्हन लेके आना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो कि सारी दुनिया को मौका मिल जाए हमारे बारे में बातें बनाए? मामा, मैंने कोई उल्टी बात नहीं की, और क्यों किसी को बातें बनाने का मौका मिलेगा? निकाह करने मैंने भगा के थोड़ी लेकर आने फातिमा को। यही तो मैं कह रही हूँ कि लोगों को हम यकीन कैसे दिलाएंगे कि तुम किसी की बेटी को भगा के नहीं लेके आए, कि तुम महज़ब तरीके से निकाह करके उसको घर लेके आए हो। इसका मतलब है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। अरे नहीं, क्या हो गया, तुम बात को कहाँ लेके हो बेटा? ऐसा हरगिज़ नहीं है। पूरी कोशिश करेंगे उसे कन्विंस करने की, और आई एम श्योर कि वो कन्विंस होगी इंशाल्लाह। तुम ये ना सोचो। मैं तो कहती हूँ वो माने ना। मतलब दुनिया में एक से एक बढ़कर लड़की है और तुम एक जगह अटके हुए हो। मामा, कभी कभार आप में भी ना खाला की रूह चढ़ जाती है। तुम चुप कर जाओ। क्या चुप हो जाऊँ, मुझे बोलने दे। अगर यही डिसीजन नताशा ने लिया होता तो आप उसको ऐसी रिएक्ट करती? नताशा ऐसी है ही नहीं, वो बहुत समझदार और इंटेलिजेंट लड़की है। सही कह रही है मॉम, नताशा वाकई बहुत समझदार है। फरहान बेचारे को उल्लू बना के शादी किसी अमीरजादे से करने चली थी। ए, तुम कैसी बातें कर रहे हो? फरहान के साथ उसका क्या ताल्लुक है? वो तो इस तरह के लड़कों को मुंह भी नहीं लगाती। चले, आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप आंटी से खुद पूछ लीजिएगा। डैड, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। फिर नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही आ रहा हूँ। वैसे फरहान के साथ एक दो बार मैंने भी उससे देखा है। एक बार तो उसके साथ वो ऑफिस भी आ गई थी। अफसोस होता है मुझे, साइमा ने उसकी परवरिश ठीक अंदाज में नहीं की। चलो बेटा, चलो चलो। क्या सोच रहे? ठीक तरह से नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? ठीक तरह से तो कर रहा हूँ माँ। तुम्हारे आसार मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। क्या मतलब इस बात का? हाँ तो तुम खुद बताओ, क्या करते फिर रहे हो आजकल तुम? क्या करता फिर रहा हूँ माँ? रोज सुबह आपके सामने ऑफिस जाता हूँ, शाम में घर वापस आता हूँ, और क्या कर रहा हूँ मैं? और आप ये रोज रोज रिपीट सवाल ना किया करें प्लीज। मैं कोई छोटा सा बच्चा नहीं हूँ। यही तो मसला है कि तुम अब बच्चे नहीं रहे। बच्चों को बुराई से रोकना समझाना आसान होता है, लेकिन तुम्हें कौन समझाए? बुराई? कौन सी बुराई अम्मा? क्या कर दिया मैंने तुम्हें? मैंने कहा है ना कि मुझे लड़कों का लड़कियों के साथ दोस्तियां रखना अच्छा नहीं लगता। पहले जो कुछ हो गया हो गया, अब दोबारा मैं ऐसा ना देखूं। अरे भाई, जवान लड़का है, और वैसे भी तुम इसकी शादी की कोशिश क्यों नहीं कर? अरे तो मैं हथेली पे सरसों जमा लूं? देख तो रही हूँ उसके लिए लड़की, कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो शादी कर दूंगी। करनी है ना इसकी शादी? ठीक, बिल्कुल सही कह रही है। जल्दी का काम शैतान का होता है। अब आप क्या चाहते, इसका भी जारा वाला हाल हो? ठीक है, मैं फसल रेडी हो रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ बेटा, तैयार हो तुम। ठीक है। देखा तुमने कितने अफसोस की बात है, उसको नाश्ता तो सही से कर देती तुम। उसके ना तुम पीछे पड़ी रहा करो हर वक्त। अच्छा नाश्ता तो करने दे मुझे। आराम से करने दोगी तो करेंगे नाश्ता।
मेरी मानो, अगर वो तुम्हारी बात मान जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मानते हैं तो अल्लाह तो तुम्हारी नीयत जानता है। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अच्छी नीयत से जो काम भी करोगे अल्लाह उस मुक्ति पर कर डाल देगा। अस्सलाम वालेकुम हाजरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। तुम सुनाओ, आज मेरी याद कैसे आ गई? अच्छा हाजरा, आप कहाँ पे हो इस वक्त? मैं अब्बू के घर आई हुई थी। खैरियत? हाँ सब खैरियत है। मैं आके वहीं पे बता देती हूँ आपको। चलो ठीक है, आ जाओ आप। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाय ब्यूटीफुल। हाउ चीफ। इसमें चीफ वाली क्या बात है? वैसे मैं नोट कर रही हूँ मार, तुम दिन ब दिन बहुत ही फ्लर्टी होते जा रहे हो। क्या पढ़ रही हो तुम? निकाहनामा। निकाहनामा? इसका मतलब तुम राजी हो निकाह के लिए? कोई एतराज नहीं है तुम्हें? ये मेरी कारिया हाजरा का निकाहनामा है, मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए लिया है। अच्छा चलो जो भी है, राजी तो तुम हो ना? लोग बिना वजह रूमर्स फैला रहे हैं। कैसा रूमर? अंकल ने कोई बात की है क्या तुमसे? भाई मैंने तो उनको कह दिया है कि निकाह सादगी से होगा तो करूंगी, वरना मैं नहीं करने वाली हूँ। मैंने भी उन्हें यही कहा है और वो मान भी गए हैं। बस कुछ क्लोज रिलेटिव्स होंगे और तो कोई भी नहीं होगा। ये तो कोई एतराज वाली बात नहीं है ना। ये तुम पढ़ो। इसमें क्या पढ़ने वाली ऐसी चीज है? आई डोंट थिंक सो, इसमें भी पढ़ने वाली चीज है। सब चीज़ें तो क्रॉस हुई भी है, और अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता तो क्रॉस ना होती है ना। लेकिन मैं पूरा निकाहनामा पढ़ूंगी, जब तक मैं नहीं पढ़ूंगी मैं साइन नहीं करने वाली हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं मौलवी साहब से कह दूंगा कि पहले ये फॉर्म फातिमा को भेज दें, तुम अपने हिसाब से इसको फिल कर लेना, और फिर जहाँ कहोगी मैं वहाँ साइन भी कर दूंगा। अब ठीक है? वैसे अंकल आंटी मान जाएंगे ना, इसमें कोई बड़ा इशू तो नहीं है कोई? बिल्कुल मानेंगे, मैं जो कह रहा हूँ उनका इकलौता बेटा हूँ। अच्छा भाई कुछ खिला पिला दो, तुम्हारे यहाँ मेहमान आया है, तुम खिलाती पिलाती नहीं हो अपने मेहमानों को कुछ? आज मुझे पता था कि तुम आ रहे हो तो इसलिए मैंने अपने हाथ से चाउमीन बनाया। खाना है तुमने? खा लूंगा। मैं लेके आती हूँ। यार ना कुछ ऐसा कर दे कि मॉम भी नाराज ना हो और फातिमा भी मान जाए। उस मॉम को हर्ट नहीं करना, किसी तरह मान जाए ना। वाला तो सब कुछ कर सकता है ना, किसी तरह से भी बस कर दे सब कुछ ठीक। आज मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे घर आई हो। प्यारी इतनी लग रही हो, कपड़े इतने प्यारे पहने हुए। थैंक यू मैम, मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किए। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लगता है तुम्हारा हस्बैंड सुधर गया है और अब जॉब भी करने लग गया होगा शायद। नहीं मैम, जॉब तो नहीं अभी शुरू की और सुधरे भी इतने कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ पहले से बहुत बेहतर हो गए मेरे साथ। और जुए से जो पैसे आते हैं ना वो सब घर के खर्च में लगाते हैं, इवन के ये कपड़े भी उन्हीं पैसों के हैं। अफशा ये तो अच्छी बात नहीं है ना, तुम्हें तो उससे जुए और शराब की आदत छुड़वानी चाहिए ना। छोड़ देगा मैम, अब इतना ठीक हो ही गए हैं तो और भी सुधर ही जाएगा, और वैसे भी हर चीज़ को ठीक होने में टाइम लगता है। वैसे मैं हैरान हूँ अफशा तुम पे, कि तुमने इतने साल इतने सब्र से इस रिश्ते को चलाया है। आई नो मैम, मेरी अम्मी कहती थी कि मोहब्बत और सब्र से ज़्यादा ताकतवर चीज़ और कोई नहीं, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान को चेंज कर सकती हैं। एनीवेज आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, अब तुम अच्छे से अपने काम पे फोकस करो
और तुम्हारी परफॉर्मेंस भी इस चीज़ से बेहतर हो जाएगी। जी मैम बिल्कुल। अच्छा मैम मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ बताओ। मैम 2 दिन बाद हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक फंक्शन है जो मैं मिस नहीं कर सकती, और सर राहिर मुझे उसके लिए छुट्टी नहीं दे रहे। लेकिन क्यों? मैम मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जो सर राहिल ने मुझे छुट्टी दी थी उसकी वजह से अमार सर बहुत खफा है उनसे। एनीवेज तुम परेशान ना हो, मैं उनसे बात करती हूँ। तुम एक काम करो, कल ऑफिस से जल्दी चले जाना घर, और उसके बाद अगले दिन छुट्टी कर लेना। एक मिनट, ये कुछ पैसे ये भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। अब मैम इसकी क्या ज़रूरत है? आप ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हैं। तुम मेरी बहन नहीं हो। थैंक यू सो मच मैम, मे गॉड ब्लेस यू। परेशान नहीं होते, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा मैम मैं अब चलती हूँ, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। आ जाओ। तुमने कॉफ़ी भी नहीं पी अपनी, आ जाओ। डेस्टिनेशन वेडिंग, कंग्रेचुलेशंस यार। चलो ठीक है, मिलते हैं। ओके बाय। क्या कह रही हो? बस यही पूछने आए थे। आज हमारा लंच तय हुआ था, कहीं मुकर तो नहीं जाओगे तुम? मैं तुम्हें ऐसे लगती हूँ। तो फिर रेडी क्यों नहीं हो अभी तक? मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। झूठ, मेरा वेट कर रही होती तो मुझे बताती तुम। मैंने तो यही सोचा कि तुम कामों में बिजी हो तो मैं भी थोड़ी देर काम कर लेती हूँ। फातिमा मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। जल्दी से आ जाओ, एक बात भी बतानी है तुम्हें। कैसी बात? सब कुछ यही बता दूँगा, आ जाओ फिर बताता हूँ। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। जल्दी से आ जाना ठीक है? ओके बाबा, आ रही हूँ मैं। राहिल, may I come in? Yes, come in. Thank you. I'm so sorry, but मैं ये अकाउंट्स चेक कर रही थी, इसकी सारी डिटेल्स मैंने अफशा से ली हैं। सब चेक करने के बाद मुझे फिर भी इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। Can you please check this for me? I know आप ये सोच रहे होगे कि this is not my department, but at the same time इदारा हम सब का है, हम सबको इसमें मिल के ही काम करना पड़ेगा। Are you okay? हाँ मैडम मैं ठीक हूँ, तुम बोलो क्या कह रही थी? नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, do you want me to call the doctor? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ज़्यादा चीज़ें सोने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा सर में दर्द है, मैं मेडिसिन दे देता हूँ ठीक हो जाएगा। मेडिसिन ऑफिस के फर्स्ट एड बॉक्स में होगी, मैं लेकर आते हैं। नहीं नहीं ये माइग्रेन की मेडिसिन हैं, यहाँ पर नहीं होंगी, छोड़ो मैं खुद देख लेता हूँ। मैं मंगवा देती हूँ, हॉस्पिटल करीब में, हम साथ चले जाते। नहीं नहीं हॉस्पिटल नहीं जाते, तुम अच्छा ही काम करो, राजेश को भेज दो, मैं उससे कह के मंगवा लेता हूँ। ओके ओके श्योर, मैं अभी आई। थैंक यू। अगर हमारे चाइना में पता चल जाए ना कि यहाँ पे चाइनीज़ फूड के साथ क्या होता है तो यहाँ के सारे शेफ्स को सू कर देंगे। अच्छा तो बना, शहर का सबसे टॉप रेस्टोरेंट है। और मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी टॉप की हो रही है, अपसेट भी मैं टॉप की हूँ। यार छोड़ो, मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था। हाँ बताओ, कुछ बात करना चाह रहे थे तुम? शायद शायद नहीं, यकीन में बात करना चाह रहा था मैं तुमसे। यार मेरी ख्वाहिश है, समझो एक फैंटेसी है, उसको पूरी करने में मदद करोगे मेरी? क्यों नहीं, पूरी करने वाली होगी तो ज़रूर पूरी करूँगी। तुमने डेस्टिनेशन वेडिंग का सुना? डेस्टिनेशन वेडिंग यार जिसमें एक कपल अपने क्लोज रिलेटिव्स को लेके कहीं जाते हैं और फिर शादी कहीं बंद करते हैं। अच्छा तो इसमें क्या फ़न है? तुम कह रहे थे कि फैंटेसी है, इसमें क्या ख़ास बात है? एक पुरफा मकाम पर तुम मैं बहुत खूबसूरत और हमारी शादी। But that is not fantasy. फातिमा थोड़ी सी रोमांटिक हो जाओ तुम, कभी
मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या कह रही हो? अच्छा चलो बताओ, मैं सीरियस हूँ, सुन रही हूँ। हाँ तो फिर तुम बताओ ना, तुम्हें इस तरह की किसी शादी पे एतराज़ तो नहीं? मुझे क्यों होगा एतराज़, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, तो बताओ। मैंने वहाँ कुछ डेकोरेशन करवाई है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें खूबसूरत से अटायर में मुझे वहाँ नजर आओ। शर्म आती है तुम्हें? शर्म कैसी, इसमें शर्म वाली क्या बात है? और वैसे भी हमारा दीन भी कहता है कि बीवी को वो पहनना चाहिए जो उसके शौहर को पसंद। हाँ बस लेकिन ये है कि ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ तुम परेशान हो, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। वैसे मैंने बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट सोची थी, अब इस डेस्टिनेशन वेडिंग में तो बहुत खर्चा हो जाएगा। तुम कितनी सफ़े हो बात ना। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अंकल आंटी मान जाएंगे तुम्हारे इस डेस्टिनेशन वेडिंग के प्लान में? हाँ मना लूँगा उनको मैं, अब आधा अरेंजमेंट उन्होंने कर लिए, आधा और उन्होंने ही करना है, मैंने क्या करना है। लेकिन मैं कन्विंस कर लूँगा उन्हें। लकी यू। तुम कन्विंस हो ना तो बस ठीक है, उनको मैं मना ही लूँगा। माशाल्लाह सब कुछ बहुत क्लासी है, आई होप कि नताशा को अच्छा लगे। जी बहुत। अरे शमीम आइए बैठे, कुछ और तो लेना। अरे मैंने चाय पी ली है साइमा, और सब चीज़ें ट्राई की हैं, बहुत मज़े किए हैं। मुंह तो मीठा करें। अच्छा चले, ये तो वाकई बनता है मुंह मीठा करना। आंटी आप प्लीज़ बुरा ना मनाइएगा, ये अम्मी का तरीका है, वो जिससे भी प्यार करती हैं उसे खिला खिला के मोटा कर देती हैं। अच्छा लेकिन आप तो नहीं हुई मोटी, ये अपने ददियाल पे गई है ना, बिल्कुल अपनी पुपियों की तरह, वो भी बिल्कुल ऐसी हैं, दुबली पतली नाजुक सी। अच्छा लेकिन आपने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया उनका, कहाँ होती हैं वो? अब सब बाहर ही सेटल्ड है ना, कोई अमेरिका कोई फ्रांस। अब देखें पहले वाली मोहब्बतें कहाँ रिश्तों में, वो एक हमारे ज़माने होते थे जब हमारी पुपियाँ तो हमें कलेजों से लगा के रखती थी। तो फिर अपनी पुपियों से मिलवा दीजिए। हमारी पुपियाँ अब कहाँ, अल्लाह को प्यारी हो गए। अब बुरा मत मनाइएगा साइमा, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी रिश्तेदार नहीं, नताशा को एहसास से महरूमी तो होता होगा। नहीं नहीं आंटी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो अकेले रहने की आदत है, मेरे सारे रिश्तेदार और बल्कि पूरी दुनिया ही मेरी अम्मी है जिन्होंने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी। हाँ बेटा आपकी मामा की तो बहुत बड़ी कुर्बानी है। आज तो मैं ये ज़ेवरात और कपड़े देने आई थी, और अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अरे मिसेस शमीम ये तो बता दें कि आपकी तरफ से कितने लोग आएंगे ताकि उस हिसाब से हम भी इंतज़ाम कर लें। साइमा आपको इस बारे में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कॉल करूँगी और इस बारे में हम फिर डिटेल से फ़ोन पर बात कर लेंगे, जैसे आपको मुनासिब लगे। अच्छा चलें अब मुझे इजाज़त दें, मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होती है। जी अल्लाह आइए। क्या हो गया, पागल हो गई हो तुम? देखिए आपके लिए क्या कुछ है, इतनी अच्छी ज्वेलरी, इतने अच्छे कपड़े, आपके लिए तो है ये सब, जान जा के अपने कमरे में ट्राई करके दिखाएं सब कुछ। ये मेरे लिए, मैं क्यों पहनूंगी ये तुम्हारी चीजें हैं, तुम पहनोगी? मेरे लिए है, मुझे तो नहीं चाहिए ये सब कुछ, आपको लगता है मैं ऐसी ज्वेलरी पहनूंगी? इट्स फॉर यू, ये सारा सोना जेवर ये सब आपको ही तो चाहिए था ना, मुझे तो नहीं चाहिए था। ये देखिए ना, वे ऑल दिस टू योर नेम, इतनी सारी दौलत क्या करेंगी आप, आपकी तो मौजें हैं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? पागल मैं हो गई हूँ? पागल आप हो गई हैं? क्या बोल रही थी उनके सामने आप? और ये फुपियाँ कहाँ से आ गई बीच में, आपको पता नहीं है कौन सा खानदान है हमारा, कौन था हमारे साथ खड़ा हुआ जब हमें ज़रूरत थी किसी की?
बस एक लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल गया, क्या करती? वाओ, गलतियां आप करती हैं और सहनी मुझे पड़ती हैं। चले सही, आपको तो सब कुछ मिल गया जो भी आपको चाहिए था, भर ले तो जो रही आपने। क्या करूं मैं इस लड़की का, कैसे घर पर आएगी? कुछ समझ नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा मुसरफियात हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे तैयारी होगी। अच्छा, ये तो अच्छा हो जाएगा, आके मेरा हाथ बिठा दो, है ना? ओके ठीक है, खुदा हाफिज। क्या बात है बेटा, जल्दी आ गए हो आज? बस आज ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था, मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम अपनी मॉम के साथ गुजारूं। अच्छा किया, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ, आराम से खा के रेस्ट कर लेना। नहीं मॉम, खाना नहीं, बस आपके साथ थोड़ी देर बैठे हैं। बैठेंगी ना मेरे साथ अगर आपके पास टाइम हो तो? मेरा टाइम तो सिर्फ तुम लोगों के लिए है, और मेरी ज़िंदगी में है क्या। थैंक यू मॉम। मॉम एक विश है मेरी, अगर आप पूरी कर दें तो। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है आपसे शेयर करूं। कैसी विश, और वो कौन सी विश है जो आज तक मेरी बेटी की पूरी नहीं हुई? मॉम मैं चाह रहा था कि शादी ना किसी हिल स्टेशन पे करें, शहर की शादी काफ़ी बोरिंग हो जाती है। लेकिन मॉम मैं सिर्फ ऐसा चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, जैसा आप कहेंगी वैसे ही होगा। बेटा तुम्हारी रिक्वेस्ट इतनी अजीब सी है, अगर मैं मान भी लूँ तो हम ये कैसे प्लान करेंगे, गेस्ट कैसे आएंगे? मॉम मेहमानों ने कौन से चांद पे आने, हिल स्टेशन तो आने, आ जाएंगे जिन्होंने आना हुआ वो आ जाएंगे, जो ना आ सके उनकी मर्जी। बेटा अब ख्वाहिश तुम्हारी है तो अजीब, लेकिन तुमने इतने प्यार से पूछा है तो मैं ना भी नहीं कर सकती। मुझे एक चीज़ बताओ, फातिमा मान गई गेस्ट आने पर? मानेगी मॉम, क्यों नहीं मानेगी? मैंने उसको साफ साफ कह दिया कि मेरी मॉम की ख्वाहिश है, उसको पूरी तो करनी पड़ेगी, और अगर ना मानी तो वो क्या कैंसिल करेगी, मैं कैंसिल कर दूंगा शादी। तुमने ऐसा कहा? और नहीं तो क्या मॉम, मैं झूठ बोलूंगा आपसे? मानती है माने, नहीं मानती तो ना माने, मैंने तो उसको अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग वाली ख्वाहिश का भी बताया। तो फिर हुआ क्या? मॉम इस पे तो खूब चढ़ गई, कहने लगी है क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन मैंने उसे कहा कि भाई डेस्टिनेशन वेडिंग ही करनी है, मैंने तो उल्टा सीधा बोलने लगी थी कि मैं मेहमानों को नहीं बुला रही, तुम डेस्टिनेशन वेडिंग का सोच रहे हो, एक बस छोटी सी शादी करनी चाहिए, भला भला पता नहीं क्या क्या बोलने लगी थी वो। बिल्कुल सही किया, मुझे अपने बेटे से यही उम्मीद थी। यही फ़र्क होता है ना मॉम, माँ में और बीवी में। देखिए अगर वो मान गई तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से साफ साफ इनकार। अक्खन लगाने में तो माहिर हो। बस फिर तय ये हुआ कि शादी हम हिल स्टेशन पे करेंगे, और वहीं पे हम गेस्ट को बुला लेंगे, जो आ सके वो आ जाएंगे, जो ना आ सके मॉम उनसे तो माजरत ही कर लेंगे हम, क्योंकि ये मेरी और मेरी माँ की खुशी का सवाल है ना। मैं खाना लगवाती हूँ। मैंने उसको साफ साफ कह दिया कि मेरी मॉम की ख्वाहिश है, उसको पूरी तो करनी पड़ेगी, और अगर ना मानी तो वो क्या कैंसिल करेगी, मैं कैंसिल कर दूंगा शादी। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम, आप भी जल्दी आ गए, घर में रौनक तो आज पहले से ही आ गई। क्यों, मैं जब ऑफिस से निकला था तो उस वक्त मायरा तो ऑफिस में ही थी, मैं समझा नहीं। अमार भी जल्दी घर वापस आ गया, कह रहा है उसकी तबीयत नहीं ठीक, तो कमरे में है। ओहो, मैं जाकर उसकी तबीयत ठीक कर। नहीं, उसकी तबीयत मुझे पता कैसे ठीक होगी। क्या मतलब? जहांगीर, मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में, और पता नहीं हम कब अपने बच्चों के दुश्मन बन गए। अपनी अना और अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए हम अपने बच्चों की खुशियों का गला घोंट रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है कैसे शादी होती है इसकी, गेस्ट आए ना आए, लोगों को पता चले ना चले, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो सिर्फ वही करना चाहिए जो हमारे बच्चे चाहते हैं, जो हमारा बेटा चाहता है।
मगर सेम ही अगर मगर कुछ नहीं, मैं आपके इतने कहने मानती हूँ, आज मेरा भी ये कहना मान लेना। अरे भाई तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं तो खुद ही ये चाहता हूँ, बल्कि एक दो दिन में तुमसे बात करने वाला था। एनी हाउ आई एम ऑन इट, जैसा तुम कहो। ठीक है, मैं अमार को ये खुशखबरी दे के आती हूँ और फिर उसके बाद आपकी फेवरेट ड्रेस मिलाई का बंदोबस्त करती हूँ। क्या बात है, थैंक यू। जी सोले, हाँ मैंने मैं अभी पढ़ के तुम्हें जवाब देता हूँ। अमार उठो, अमार अमार उठो। क्यों उठा दिया मैम, इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था मैं। जागोगे तो ख्वाबों को पूरा कर सकोगे ना। क्या मतलब? मतलब ये एक की शादी हो रही है तुम्हारी, ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स मुझे नहीं प्लान करना आती, जो भी करना है तुम्हें और फातिमा को खुद करना है। मेरी वेडिंग फातिमा के साथ? क्योंकि मैं ग्रीन हूं।